थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग से जागरूकता शिविर। आज यहाँ जो भीड़ देख पा रहे हैं आप, ये सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित है, उससे इस बीमारी से बचाव के लिए आज एक जागरूकता अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया है। और इस शिविर में जिले भर से हजारों लोग यहाँ पहुँचे। खासकर इसमें जो है, हम बता दें, यहाँ विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि ये जैसे विशेषज्ञों द्वारा बताया जाता है कि ये बीमारी जो है 15 साल से लेकर 25 साल तक के उम्र में जो है उम्र वाले लोगों को ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो है आज यहाँ ज़्यादातर संख्या में विद्यार्थियों की भीड़ दिख रही है। हालांकि सभी लोग यहाँ, सभी उम्र के लोग पहुँचे हैं और अपना अपना जाँच करा रहे हैं। जाँच कराते हुए जिनमें भी इस प्रकार की बीमारी पाई जाती है उनके लिए यहाँ दवाई भी उपलब्ध कराई गई है और उनका उपचार जो है, समझिए कि यहाँ से उपचार उनका प्रारंभ किया जा रहा है। तो इस प्रकार से खूंटी जिले अंतर्गत अलग अलग प्रखंड स्तर पर इस प्रकार का कैंप किया जा रहा है, इस प्रकार की जो है आयोजन की जा रही है, जिसके तहत ऐसे जांच कर जो भी सामने आ रहा है इस प्रकार के बीमार लोग, उसके लिए जो है इलाज उपलब्ध कराई जा रही है। इन तमाम विषयों को लेकर हमने डॉक्टर अजीत खलको जी से बात किया है इस बीमारी पर, यानी कि इस पर जो कैसे ये सिकल सेल एनीमिया है, क्या ये कैसे होता है, क्यों होता है, इससे बचाव का क्या उपाय है, तो हमने इस विषय को लेकर बात किया है। साथ ही उपायुक्त ने जो आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताया है, वो भी एक उन्होंने भी बताया कि जिस प्रकार से जिले अंतर्गत, चूँकि खूंटी जिला ट्राइबल बहुल एरिया है और ये बीमारी खासकर ट्राइबल बहुल एरिया में पाई जाती है, तो इस विषय को लेकर उपायुक्त ने बताया कि प्रखंड स्तर पर जो है इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और अगर जिस भी व्यक्ति में ऐसी लक्षण, ऐसा बीमारी पाया जा रहा है, उसका इलाज भी शुरू किया जा रहा है। तो चलिए हम एक एक कर आपको वो बातचीत का वो हिस्सा सुनवाते हैं। सर, आज जो यहाँ कैंप किया गया है सिकल सेल एनीमिया सह जागरूकता शिविर, सर ये शिविर में जो आज यहाँ जिले भर से लोग पहुँचे, तो सिकल सेल एनीमिया वैसे होता क्या है सर? सिकल सेल एनीमिया रक्त संबंधी एक बीमारी है जिसमें RBC लाल रोडेंकर इसके ये विकृत हो जाती है। जैसा सिकल सेल एनीमिया आप जान रहे हो, सिकल का अर्थ है हंसुआ, कुछ आनुवंशिक कारणों से ये हमारा RBC जो रेड गोल होता है, ओवल शेप होता है, इनमें थोड़ी सी विकृति आ जाती है और ये हंसुए के रूप में दिखता है। इससे होती है ब्लड के धमनी में, पतली धमनी में, बहाव में रुकावट पैदा होते हैं और इसका ब्रेक डाउन सिकलिंग जो सेल है उसका बहुत जल्दी हो जाता है। जो सामान्य RBC का लाइफ स्टाइल 120 दिन है, ये 10 से 20 दिन तक ही जीवित रहते हैं, जो कि RBC आप जानते हो बहुत बड़े जो कि हमारे शरीर में विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। तो एनीमिया होने के चलते हमारी शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और इसी से तरह तरह की सिम्टम लक्षण आते हैं। लक्षण क्या क्या है सर, जरा लक्षण? इसके लक्षण तो पहला इसके लक्षण तो है एनीमिया, दूसरा है जोड़ों में दर्द, हमारे जो सिकलिंग सेल है वहाँ जाके वो मर्ज हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, है ना, जिससे स्वेलिंग हो जाती है, जॉइंट पेन होता है, यही मुख्य लक्षण है। लक्षण भी हो गया सर, एक और सवाल कि अब इसका उपाय सर, बचाव का क्या उपाय हो सकता है? सबसे बड़ी बात तो है कि ये हेरिडेटरी है, मतलब वंशज होते हैं, है ना, ये तो सबसे बड़ी बात है कि जिनको सिकल सेल एनीमिया हो गया है उनको काउंसलिंग की बात है। बचाव तो पेरेंट्स से आते हैं, तो पहला बचाव तो जैसे एक पेरेंट्स सिकलिंग रहा और दूसरा सही रहा तो बच्चे एक वाहक के रूप में काम करते हैं, चाहे तो वाहक करते हैं, तो एक काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग ये सब भी होनी चाहिए। फिर इनका है जैसे एनीमिया से है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यही एक है, कुछ हेड जॉक से क्रोनिक आते हैं जो ब्रेक डाउन RBS को कम करते हैं। सर बचाव हो गया, लेकिन अभी ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है अगर समय पर इलाज न मिले तो? सर देखिए, ये है, इसमें तो बात होती है जब सामान्य जो जीते हैं लोग, जो सामान्य लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो कम हो जाती है। जैसे है कि लोग कहते हैं ऐसे का लोग 35 साल, 40 साल, बस इतनी उनकी उम्र होती है अगर सही ढंग से अपना लाइफ स्टाइल चेंज ना करें तो। ये है, इसमें आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे, कुछ मेडिसिन है, कुछ खान पान पे है, कुछ रहन सहन है, हमारे काउंसलर हैं ये बताते हैं कैसे लोग अपने लाइफ को ध्यान रखें। थैंक यू सर। सर अभी हम बात कर रहे थे सिविल सर्जन डॉक्टर अजीत खलको से, जिन्होंने बताया कि थैलेसीमिया इसकी सिकल सेल एनीमिया
ये होता क्या है, क्यों होता है और इसका बचाव का जो उपाय है वो क्या है, इस पर हम अभी डॉक्टर साहब से जान रहे थे। तो चलिए, आज जो है यहाँ कैंप आप देख रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया बचाव के लिए जो है उस जागरूकता अभियान कहिए, जागरूकता अभियान के लिए यहाँ कैंप किया गया है, ताकि लोगों को पता चले कि वो किस तरह से इस बीमारी से बच सकते हैं। और यहाँ जो है आज जांच भी की जा रही है इस सिकल सेल एनीमिया का, और उसमें से जिन्हें भी इस प्रकार की बीमारी जिनमें भी पाई जा रही है उसका इलाज भी किया जा रहा है, उसे दवाई भी उपलब्ध कराई जा रही है। आज इस कार्यक्रम को लेकर हमने अभी कुछ देर पहले उपायुक्त महोदय से बात किया, उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि इस प्रकार का अभियान जो है खुट्टी जिले अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर भी चलाया गया है, और आज जो है बृहित यानी बड़े स्तर पर जो है आज खुट्टी में आप देख पा रहे होंगे कि मल्टीपर्पज हॉल में ये आयोजन किया गया है, और इस पर जो है एक विशेष प्रकार से कार्य की जा रही है जिला प्रशासन की ओर से, और ताकि ये जो बीमारी है इस पर काबू पाया जा सके, लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जा रहा है और जागरूक के साथ ही लोगों को इलाज भी उपलब्ध कराई जा रही है। तो चलिए, हमने उपायुक्त महोदय से जो कुछ बातचीत किया है, उन्होंने जो कुछ बताया इस विषय को लेकर, वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ। को लेकर के आज हमने एक जिला स्तरीय वर्कशॉप रखा था, जिसमें हम लोग कोशिश की थी कि जितने पॉजिटिव लोग हैं या जिनको लगता है कि पॉजिटिव है उनको हम लोगों ने यहाँ पर लाने की कोशिश की थी, और साथ में हम लोगों ने कोशिश की थी कि सब कुछ की जानकारी मुहैया कराया जाए, क्योंकि इसमें जानकारी ही बचाव है, जैसे प्रिवेंशन, उसके बाद केयर और क्योर की जो संभावना है उस पर काम करने की जरूरत है। इसके लिए सभी नागरिकों को उसकी जानकारी मिले, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अभी एक जिला स्तरीय वर्कशॉप है ताकि हम डिजाइन भी कर सकें लोगों में कितनी जागरूकता है, और आने वाले समय में हम लोग इसको और किस तरह से इम्पैक्टफुल बना सकते ग्राउंड पे, उस पर हम लोग अभी काम करेंगे। अगला 50 दिन हमारा सिकल सेल एनीमिया का होगा, जिसमें हम लोग हर एक घर को टच करने की कोशिश करेंगे, हर एक परिवार को टच करने की कोशिश करेंगे, बट मेरा इमीडिएट टारगेट जो है कि सारे स्कूल के बच्चे रहेंगे, हमारे जो 45,000 स्कूल के बच्चे बच्चियां हैं 45 से 50,000, उन सभी का टेस्टिंग हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पर करेंगे सभी स्कूल में जाकर के, उसके लिए रोस्टर बनाया जा रहा है और एक दो दिन में वो रोस्टर पब्लिश भी कर देंगे। इसमें स्कूल जाकर के जो हमारा वैन है सिकल सेल एनीमिया को जो देखता है वो पूरा टेस्टिंग करेगा, साथ में पिरामल फाउंडेशन के लोग हैं वो भी हमें जो मैन पावर सपोर्ट टेक्निकल सपोर्ट है वो देंगे। तो ये हमारे लिए गेम चेंजर होगा पूरे खुट्टी जिले के लिए, और हमारा जो नेक्स्ट 30 डेज में डे बोर्डिंग सेंटर जो है सिकल सेल एनीमिया को लेकर के वो भी तैयार किया जाएगा, उसका एसओपी भी बनाया जा रहा है, और साथ में कुछ डॉक्टर्स और जो नर्सेस की टीम है उसको हम लोग रांची बेस्ड ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं 15 दिन की, ताकि उनका एक हैंड्स ऑन भी हो जाए और यहाँ के फिर वो लोग संयमित तरीके से जो केयर का काम है और क्योर का काम वहाँ कर सके, जो क्रिटिकल काम रहेगा उसको हम लोग अकॉर्डिंगली जो डॉक्टर का सजेशन रहेगा हम लोग रिम्स या फिर रांची भेज सकेंगे। तो उसके लिए भी हम लोगों ने प्लानिंग कर ली है, बजट का एलोकेशन भी हो गया है, और आने वाले समय में ये आपको दिखेगा कि खुट्टी जिले के लिए एक बूंद की तरह साबित होगा, जहाँ सिकल सेल एनीमिया पॉजिटिव लोगों को रांची जाने की आवश्यकता नहीं होगी, खुट्टी में उसका इलाज करा पाएंगे। तो यह पूरा इवेंट जो है एक तरह से एक हमको लगता है कि एक गेम चेंजर होगा और आई ओपनिंग भी होगा हमारी जनता के लिए, और इसका लोग लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए, इस प्रकार से खुट्टी जिले की खबरों के लिए बने रहिए झारखंड टुडे के साथ।